हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम जी। मैं रवि, आप देख रहे हैं फेमस रवि यूट्यूब चैनल। तो गाइस, फिलहाल इस वक्त मैं फतेहगढ़ साहिब में, आप देख सकते हैं पीछे मेरी साइकिल खड़ी है। और भाई, रात मैं यहाँ पर सो गया था, अपने पिछले व्लॉग में देखा था। और गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी साइकिल में पंचर हो गया यार। यहाँ पर खड़ी थी, मतलब पार्किंग में खड़ी थी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं भाई, ये टायर बिल्कुल पिछले लग गया है। अब मैं यहाँ पर पंचर वगैरह की दुकान ढूंढने वाला हूँ यहाँ पर, और पंचर लगवाऊंगा सबसे पहले। फिर मुझे खन्ना की तरफ निकलना है, और आज मेरा डेस्टिनेशन होगा भाई फगवाड़ा। फगवाड़ा यहाँ से लगभग 104 किलोमीटर है, तो मैं फगवाड़ा पहुंच जाऊंगा। सबसे पहले पंचर की दुकान ढूंढनी पड़ेगी भाई, क्योंकि वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और आज पहली बार पंचर हुआ है भाई, इसने बहुत साथ दिया। चलो कोई बात नहीं, एक बार इसकी रिपेयर करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नट वगैरह ना वो भी कसवा दूंगा मैं सही तरह, अच्छी तरह, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं भाई, बोर्ड बिल्कुल तैयार है, बोर्ड बिल्कुल भी टूटा नहीं है भाई, क्योंकि वो प्लास्टिक का था ना, वो तो टूट जाता था। अभी चलता भाई पंचर की दुकान ढूंढते हैं सबसे पहले। और गाइस, अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं रात यहाँ फतेहगढ़ साहिब में एक गुरुद्वारा ढूंढ रहा था भाई, जिस गुरुद्वारे में मैं सोया था, और मैं गलती से कॉलेज में चला गया भाई। और वहाँ पर मैंने सिक्योरिटी गार्ड से बोला मुझे एक रूम चाहिए भाई, यहाँ पर रहना है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड बोला भाई ये कॉलेज है। तो मैं इतना शर्मिंदा हो गया भाई, ये व्लॉग में भी बताना चाहता था मैं ये बात, ठीक है। और मुझे नहीं पता था भाई, क्योंकि वहाँ पर पंजाबी में लिखा था सब कुछ, और मुझे कॉलेज और गुरुद्वारे में फर्क ही समझ नहीं आया भाई, क्योंकि ये गुरुद्वारे का गेट भी ऐसा ही और कॉलेज का गेट भी ऐसा ही होता है। तो भाई बहुत शर्मिंदा हुआ था मैं उस टाइम। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर पुल के पास मुझे दुकान मिली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकिल की, यहाँ पर मेरी साइकिल ठीक हो रही है। मेरी टीप फटी निकली भाई अंदर से, उसे पता नहीं इतना बड़ा सुराख हो गया था भाई इसमें। चलो कोई बात नहीं, मैंने डलवा लिया यहाँ पर, और एक टीप मैं एक्स्ट्रा ले लूंगा, क्योंकि कोई भी दुकानदार भाई कहीं पर डाल सकता है। और इन्होंने बताया कि ये टीप मिलती नहीं है भाई, हर जगह नहीं मिलेगी ये टीप। चलो कोई बात नहीं, मैं रख लूंगा एक टीप यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये दुकान मिली है भाई पुल के पास, और यहाँ से मैं सीधा खन्ना की तरफ निकल जाऊंगा, यानी कि जिट रोड की तरफ निकल जाऊंगा। सरहिंद से आता, सरहिंद से आगे फिर खन्ना है, खन्ना से आगे लुधियाना फगवाड़ा चला जाऊंगा आज। वैसे टाइम तो ज्यादा हो गया, लेकिन क्या कर सकता हूँ भाई, फगवाड़ा तक पहुंचना पड़ेगा। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं भाई मैं 44 पर खड़ा हूँ, और यहाँ पर मैं गोला खा रहा हूँ भाई। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ वो गोले वाला जा रहा है ना, उसने खिला दिया था भाई, फ्री में नहीं खिलाया, मैंने पैसे दे रखे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है भाई गोला, गर्मी में बहुत अच्छा लगता है। मैं तो लगभग अपनी जिंदगी में दूसरी तीसरी बार खा रहा हूँ भाई ये गोला, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। अलग अलग फ्लेवर डाले हैं भाई उसने इसमें। ये देखते भाई तुरंत एक्सप्रेस खड़ी, और आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई ये झंडा लगा दिया था उसने। तो गाइस, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई कार वाले ने कैसे यहाँ पर ट्रैली में घुसा दी कार, आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं भाई मैं खन्ना में हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हमने खाना खाया था। ये दो भाई मिले मुझे, अनमोल और राहुल भाई, साथ भाई वैसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, इन्होंने मुझे खाना खिला दिया था यहाँ पर। और आपने कैसे ढूंढा मुझे? देख लिया साइकिल यार भाई, पहले देहरादून मिला था हमें ये। अच्छा, हाँ हम ऋषिकेश मिले थे जब मैं मतलब केदारनाथ जा रहा था ना साइकिल से, तो ये गाड़ी में थे और मैं साइकिल पर था, तो हमारा भी डब हुआ था भाई। और यहाँ भी मिल गया, देखो खन्ना मिल गया भाई, कितने अच्छे इनका सहर है खन्ना। तो मिलकर बहुत अच्छा लगा भाई। अभी निकलता हूँ मैं जलंधर की तरफ। गाइस, अभी दोपहर के लगभग 2:15 हो चुके हैं भाई, और मैं यहाँ पर रुका हूँ, इस पुल के नीचे रुका हूँ भाई। भाई साइकिल नहीं चल रहा अभी गर्मी में, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाऊँ भाई, फिर चला लूंगा, शाम को चला लूंगा। क्या मुझे इतनी जल्दी थोड़ी है पहुँचने की यार, आराम से जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जलंधर तक ही तो पहुँचना है, जलंधर यही है भाई, लगभग 60-70 किलोमीटर है जलंधर यहाँ से। शाम को चला लूंगा भाई, पहुँच जाऊंगा आराम से, अभी धूप में नहीं चलूंगा भाई मैं। ये तो मूर्खता वाली बात हो गई, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज धूप पड़ रही है, गर्मी ज्यादा हो रखी है, बार बार मैं पानी मांग रहा है शरीर भाई। अभी थोड़ी देर में चलूंगा भाई, मैं तो 1 घंटा रुक गया यहाँ पर। भाई जब भी आप देख सकते हैं भाई, मैं पहुंच चुका हूं भाई लोधी के किले में, यहां पर लुधियाना में है, ठीक है। मैं लुधियाना सर पूरा पार करके आ चुका हूं भाई, बहुत टाइम लगा भाई, अभी शाम होने को है, लगभग 5:15 हो चुके हैं। यहां पर दुरंतो खड़ी अपनी आप देख सकते हैं भाई, और यहां पर मतलब पूरा सुनसान एरिया पड़ा है भाई, आप देख सकते हैं पीछे की तरफ दिखाना चाहूंगा, पूरा का पूरा सुनसान एरिया पड़ा है भाई। और अभी कुछ नहीं है यहाँ पे देखने का, मैंने यहाँ मैप पर भाई लेटेस्ट फोटो देखी थी, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इतना ज्यादा खास नहीं है असल में, देखने पर ज्यादा कुछ नहीं है, खंडर ही खंडर पड़े, आपको दिखा दूंगा मेरी ये कैमरे से, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेला हूँ ना, तो अकेला सा बंदा पड़ गया भाई, मैं यहाँ पर दो थे ना, तो मैं तो सारा का सारा किला देख लेता भाई, खंडर अभी यहाँ पर मैं देख नहीं सकता, अंदर नहीं जा सकता भाई, अलग अलग प्रकार के लोग हैं यहाँ पर, सिक्योरिटी गार्ड बता रहा था यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि अलग अलग से लोग हैं यहाँ पर, आप समझ गए होंगे कौन कौन से लोग, ठीक है। मैं अंदर कमरों में नहीं जा सकता भाई, देख सकते कितना वीरान पड़ा है। और कोई चीज होगी ना लुधियाने में देखने के लिए, वो देखूंगा भाई, यहाँ पर खंडर में मुझसे नहीं, मतलब इतना नहीं देखा जाता, ठीक है। अपना लुधियाने में चलते हैं, लुधियाना शहर में मिलते हैं आप लोगों को। गुरुद्वारे में सो गया था रात में, लगभग 7 बजे आ चुका था, और भाई बहुत मुश्किल से मिला था ये गुरुद्वारा भाई, बहुत मुशक्कत के बाद मिला, सच में यार बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि पूरा पूरा शहर लांगना पड़ा था। मैं अपने किसी दूसरे गुरुद्वारे में भेज दिया, छोटे छोटे गुरुद्वारे में भेज दिया, अभी ये बड़ा गुरुद्वारा मिला है भाई, इसमें सो गया था रात। और अभी मैं निकल रहा हूँ भाई अपना पठानकोट की तरफ, जलंधर की तरफ निकल रहा हूँ भाई। जब भी मैं फिल्लौर जा रहा हूँ भाई, यहाँ लुधियाना में तो कुछ नहाने का सिस्टम नहीं बना भाई यहाँ पर,
सारा को देख लिया। अभी फिल्लौर में मिल दूंगा आप लोगों को, क्योंकि भाई फोन में बैटरी 10% है, बस वहीं पर चार्ज करूंगा किसी गुरुद्वारे में, थोड़ी देर के रुक जाऊंगा वहां पर। अभी चलता हूं भाई, 10 किलोमीटर आगे यहां से फिल्लौर, और पहुंच कर मिलता हूं आप लोगों को वहीं पर। गाइस अभी मैं पता क्या सोच रहा था, भगवान कुछ नहाने को मिल जाए, फोन चार्जिंग करने को मिल जाए। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा लुधियाने से आगे निकला ना, फिल्लौर पहुंचने से पहले मुझे एक देवी का मंदिर मिल गया भाई। और देवी के मंदिर में जाकर मैंने पूछा कि मैं यहाँ पर नहा सकता हूँ, तो उन्होंने बोल दिया पंडित जी ने कि आप नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पंडित जी का घर था मतलब कि मंदिर के अंदर ही, तो उन्होंने मुझे नहाने को बोल दिया भाई। मैं नहा लिया वहां पर और फोन चार्ज भी कर लिया। अभी मेरा फोन लगभग 70% है और अभी मैं फिल्लौर पहुंचने वाला हूँ। फिल्लौर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, और रास्ते मुझे भाई भगवान शिव का मंदिर भी देखने को मिला। यहाँ पर एक धाम है भगवान शिव का, हो सके तो मैं आपको यहाँ पर ले चलूंगा। भगवान शिव की बड़ी सारी मूर्त है भाई, और देख सकते हैं ये खड़ी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस भाई, और ये झंडा ही बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। उस भाई ने दे दिया था, जहाँ पर मैंने टिप डलवाई थी ना, उसने दे दिया था यहाँ पर। तो गाइस अभी हाईवे के पास बैठा हूँ और यहाँ पर चाय पी रहा हूँ भाई, चाय बनवाई थी यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं भाई, ये चाय की दुकान है छोटी सी, यहाँ पर एक अंकल की है। और कई बार तो मैं चाय ऐसे पी लेता हूँ ताकि अगले का काम चल जाए भाई, सच में ऐसा दिल भी है मेरा भाई। और यहाँ पर मैंने एक बिस्कुट ले लिया, यहाँ पर एक ही बिस्कुट था इनके पास। चलो कोई बात नहीं, सही है यार अपना, मैंने इनको 50 रुपये दे दिए, मतलब कि ये रख लेंगे ऐसे यार, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि चलता इतना तो यार। जब लोग मेरी सपोर्ट कर सकते हैं तो मैं दूसरों की सपोर्ट भी कर सकता हूँ थोड़ी थोड़ी यार। देख सकते हैं भाई हाईवे के पास ही है बिल्कुल, और अभी जा रहा हूँ मैं फिल्लौर की तरफ। फिल्लौर आ ही गया है लगभग, अभी फगवाड़ा आएगा लगभग 25 किलोमीटर बाद, फगवाड़ा से जलंधर आएगा, जलंधर में रुक जाऊंगा किसी गुरुद्वारे में। तो भाई जब आप देख सकते भाई फिल्लौर में आ चुका हूँ, और यहाँ पर ये दो भाई मिले। और भाई सब क्या चल रहा है, ठीक है ना भाई अपना? भाई जब मैं जलंधर कैंट में बैठा हूँ भाई, यहाँ पर बैठा था एक बस स्टैंड पर, और आगे का रास्ता भाई बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। ये रास्ता तो पता क्या था, बस चलते जाओ, गर्मी हो रखी है, ठीक है। अभी मैं जलंधर कैंट में हूँ, और जलंधर कैंट से आगे मैं लगे पठानकोट आएगा, मतलब कि लगभग 100 किलोमीटर बाद पठानकोट आ जाएगा। आगे का रास्ता बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाला, आगे रास्ते में बहुत कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ तक तो आपने जो देख लिया, वो सही था गलत था कुछ भी था भाई, आपको पसंद आया नहीं आया कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन आगे की गारंटी लेता हूँ भाई, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगा। ये खड़ी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया था, क्योंकि भाई अभी 12:15 बज चुके हैं, और मैं यहाँ पर 2 बजे तक बैठा रहूंगा, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो रखी है, क्या करेंगे चलकर यार, गर्मी में कोई फायदा नहीं है, साइकिल भी चलता नहीं है इतना, और टायरों बहुत ज्यादा टाइट हवा हो रखी है भाई, तो मैं चलाना नहीं चाहता, क्या पता फट जाए गर्म होकर। ये जो सड़क है ना बहुत ज्यादा गर्म हो रखी है अभी, तो ठीक है। तो गाइस आपने ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया, तो गाइस मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप गाइस व्लॉग आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।